हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आप ब्लेजर्स को कैसे ढूंढ सकते हो एंड इसके साथ आप उन्हें शिफ्ट कैसे कर सकते हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे लेके जा सकते हो एंड इसके साथ उनसे आपको ब्रीडिंग कैसे करवानी है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो उम्मीद करता हूँ अब आपने भी अपने पास ब्लेजर्स काफ़ी सारे इकट्ठे कर लिए होंगे। तो फिलहाल आप इस मेरे ब्लेज को देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कितने सारे ब्लेजर्स हैं एंड सबको मैंने जो भी प्रोवाइड कर रखी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप ब्लेजर्स को जॉब कैसे प्रोवाइड कर सकते हो एंड इसके साथ उनसे ट्रेडिंग कैसे करनी है, इस बारे में भी अच्छे से हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी पिछली वीडियो की कुछ कमेंट्स आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी लगी हैं। तो गाइस, आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैं 20 से 30 सेकंड का टाइम लूँगा कमेंट्स दिखाने के अंदर बस। तो गाइस, जब कभी मैं अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले कमेंट आने के चांसेस होते हैं क्षितिज की तरफ से। तो क्षितिज भाई, इसके लिए मैं दिल से ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एंड प्लीज़ ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहना। एंड जो नेक्स्ट कमेंट है वो है टॉप चैलेंज द वर्ल्ड की तरफ से, एंड ये भाई भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई आपको भी थैंक यू। तो अगली जो कमेंट है वो है द मिस्टीरियस बॉय की तरफ से, एंड उन्होंने मेरे से पूछा था कि हम ओरिजिनल GTA सैन एंड्रियास में चीट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो भाई, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया एंड आपकी कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली जो कमेंट है वो है AK गेमिंग की तरफ से, एंड इन्होंने लिखा है अनदर बेस्ट वीडियो। यार भाई, ये सब तो आपका प्यार है एंड आप ही के लिए सब वीडियो है, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट। तो गाइस, अगली कमेंट करते हैं 612 एयन। यार, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपका ये स्कूल मोड अपलोड नहीं करा GTA सैन एंड्रियास का, क्योंकि यार ये मेरे को मिला नहीं, मैंने काफ़ी ढूंढा, मेरे को कोई भी मतलब अभी इसके लिए अच्छा सा अपडेट नहीं मिला एंड्रॉइड के लिए। एंड जैसे ही फ्यूचर में मेरे पास कोई अपडेट होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। एंड इसके साथ भाई, जो आपका ये नेम है ये थोड़ा मतलब कठिन सा है मेरे लिए, मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो इसके लिए भी मुझे माफ़ करना एंड थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट। तो गाइस, बस अब मैं कमेंट्स को यहीं पे रोकता हूँ एंड ऐसी कई सारी कमेंट्स है मेरे पास आपकी प्यारी प्यारी, जिन्हें मैं मतलब लाना चाहता हूँ आपके सामने, पर दोस्तों क्या करूँ, टाइम कम होता है तो इसलिए मैं कुछ कमेंट्स को ला पाता हूँ। एंड गाइस, अगली वीडियो में मतलब कोशिश करना, मेरा मतलब है कि इसी वीडियो में कोशिश करना ऐसी कमेंट्स करने की जो कि आपका स्पेशली डाउट हो, जिसको मैं अगली वीडियो में क्लियर कर सकूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो गाइस देखिए, मेरा छोटा सा विलेज है एंड यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ब्लेजर्स लेकर आया था एंड आज 2 से मेरे पास बहुत सारे ब्लेजर्स हो गए हैं एंड उनको मैंने उनकी जॉब भी प्रोवाइड कर दी है, जैसे कि फार्मर, लाइब्रेरियन, जिनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल वाइज एक एक करके बताऊंगा। एंड इनके साथ आप देख सकते हैं, मैं अपने इस ब्लेजर के पास आया जिसको मतलब मैंने फार्मर की जॉब प्रोवाइड कर रखी है एंड इससे आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे बीटरूट दूंगा तो ये मेरे को एमराल्ड्स देगा एंड इसके साथ अगर मैं इसको एमराल्ड्स दूंगा तो ये मेरे को ब्रेड देगा। एंड ऐसे आप लेवल 2 पे करके देख सकते हैं, मेरे को मतलब ये चीज़ मिलेंगी एंड जैसे जैसे मैं इनसे ट्रेडिंग करते जाता हूँ और भी नए नए आइटम खुलते जाते हैं, ठीक है। एंड अभी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे लेवल 2 शो कर रहा है एंड जैसे जैसे मतलब आप ट्रेडिंग करते जाओगे लेवल भी ऑटोमेटिक आपका बढ़ते जाएगा एंड और भी नए नए आइटम आपके पास अवेलेबल होते जाएंगे, ठीक है। एंड ऊपर आपने एक चीज़ गौर करी होगी, बीटरूट के बगल में रेड क्रॉस सा आ रहा है, ये इसलिए आता है गाइस, जब आप मतलब ज़्यादा ट्रेडिंग कर लेते हो एक आइटम की एक ही ब्लेजर से तो ये ऑटोमेटिक मतलब क्रॉस आ जाता है। एंड गाइस, अगर मैं दूसरे ब्लेजर्स के पास जाता हूँ जिसको मैंने फार्मर की जॉब दे रखी हो तो वहाँ पर हो सकता है जो ट्रेडिंग का सिक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो, यानी कि अभी यहाँ पर आपको ऊपर बीटरूट दिख रहा है, वहाँ पर हो सकता है आपको कैरेट दिखे या कोई और आइटम दिखे, जिसकी अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊँगा, मतलब कि जितने भी टाइप के ब्लेजर्स होते हैं एंड उनकी जितने भी टाइप्स की जॉब होती है एंड वो जो जॉब होती है उससे आप क्या क्या आइटम ट्रेडिंग कर सकते हो, इसकी एक पूरी लिस्ट अभी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप ब्लेजर्स के पास कभी भी जाओगे तो आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा ट्रेड वाला एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग के बारे में इसलिए मैंने आपको पहले बताया क्योंकि हो सकता है शुरुआत में अगर आप कहीं पे जाओ किसी ब्लेज के आसपास एंड वहाँ पे आपको ब्लेजर्स मिल जाए तो आप उनसे ट्रेड तो कर पाओगे, ठीक है, इसे मैंने ट्रेड के बारे में पहले बताया। एंड अब हम लोग सीखते हैं हम लोग मतलब हर एक ब्लेजर्स को मैन्युअली कैसे जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इससे भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जॉब्स कितने टाइप की होती हैं एंड इन सबको बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे जो जॉब है वो है लैक्टन वाली। तो सिंपली आपको एक लैक्टन बना लेनी है, इसके अपने रेसिपी देख लिए एंड जैसे आप इस ब्लॉक को बना लोगे तो ऑटोमेटिक कोई भी ब्लेजर आएगा एंड वो अपने आप एक लाइब्रेरियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये रहा लाइब्रेरियन, ठीक है। नंबर 2 पे जो जॉब है वो है एक आर्मरर की। तो इस जॉब को देने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, एक ब्लास्ट फर्नेस बना लेनी है एंड ऑटोमेटिक आपका ब्लेजर एक
ब्रिक आर्मर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस अभी ब्लास्ट फर्नेस बनाते वक्त एक बात का याद रखना, आपको स्मूथ स्टोन की जरूरत पड़ती है। एंड स्मूथ स्टोन को बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, एक कॉबल स्टोन को ऐसे फर्नेस में रखना है, ये ऑटोमेटिक स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस स्टोन को फिर से इस पे रखना है फर्नेस के अंदर, एंड ये ऑटोमेटिक स्मूथ स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस। गाइस यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ, मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में पूरी लिस्ट दिखाऊंगा आप किस किस बंदे से क्या क्या ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस नंबर 3 पे जो जॉब है वो है टूल स्मिथ की। एंड इस जॉब को देने के लिए सिंपली आपको करना है क्या है, एक स्मिथिंग टेबल बना लेनी है। एंड इस टेबल को मैं बनाने की आपको रेसिपी दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं चलता हूँ क्राफ्टिंग टेबल के पास, एंड ये रही देखिए रेसिपी। तो नंबर 4 पे जो जॉब है वो है बचर की। तो इस जॉब को देने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, एक स्मोकर बना लेना है। एंड इसको बनाने की मैं आपको ये रेसिपी दिखा देता हूँ। एंड जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बचर यानी कि जो मतलब मीट वगैरह का सौदा करता हो। ठीक है, नंबर 5 पे जो गाइस जॉब है वो है फ्लेचर की। एंड इस फ्लेचर की जॉब को प्रोवाइड करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, एक फ्लैचिंग की टेबल बना लेनी है। एंड ऑटोमेटिक आपका ब्लेजर फ्लेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 6 पे जो जॉब है वो है एक लेदर वर्कर की। एंड इस जॉब को देने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, एक कॉल्ड्रोन बना लेना है। एंड उसको बनाने की रेसिपी आप ये देख सकते हैं। नंबर 7 पे गाइस आप अपने ब्लेजर को एक कार्टोग्राफर की जॉब प्रोवाइड कर सकते हो। एंड इस जॉब को प्रोवाइड करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, एक कार्टोग्राफी टेबल बनानी है। एंड उसकी रेसिपी आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। नंबर 8 पे जो जॉब है वो है एक क्लैरिक की जॉब। एंड इस जॉब को प्रोवाइड करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, एक ब्रूइंग स्टैंड बना लेना है। तो स्टार्टिंग में ब्रूइंग स्टैंड को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके लिए आपको ब्लेज रोड की जरूरत पड़ती है। एंड वो रोड सिर्फ आपको नेदर वर्ल्ड के अंदर मिलती है। एंड दूसरा तरीका इस ब्रूइंग स्टैंड को ढूंढने का ये कि आप किसी भी विलेज में जाके इस ब्रूइंग स्टैंड को ढूंढ सकते हैं। नंबर 9 की जो जॉब है वो एक फार्मर की जॉब है। एंड इस जॉब को प्रोवाइड करने के लिए सिंपली आपको एक कंपोस्टर बना लेना है। नंबर 10 पे जो जॉब है वो एक मेसन की जॉब है। एंड इस जॉब को प्रोवाइड करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, एक स्टोन कटर बना लेना है। नंबर 11 पे जो जॉब है वो एक फिशरमैन की जॉब है। एंड इस जॉब को देने के लिए सिंपली आपको एक बैरल बना लेना है। एंड इसकी रेसिपी आप ये देख सकते हो। नंबर 12 पे जो जॉब है वो है एक वीपन स्मिथ की जॉब। एंड इस जॉब को प्रोवाइड करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, एक ग्रिंडस्टोन बना लेना है। ठीक है, एंड इसको बनाने की मैं आपको रेसिपी दिखा देता हूँ। नंबर 13 पे जो जॉब है वो है एक शेफर्ड की जॉब। एंड ये हमारी आखिरी जॉब है। एंड इस जॉब को प्रोवाइड करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, एक लोम वाला ब्लॉक बना लेना है। सो गाइस यहाँ पे जितने भी टाइप्स की जॉब है मैंने सभी के बारे में आपको बता दिया है कि उनके ब्लॉक्स को कैसे बनाना है। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बाय द वे मान लीजिए आपने किसी विलेजर को कोई जॉब प्रोवाइड करी, फॉर एग्जांपल आपने कंपोस्टर रखा एंड आपने एक फार्मर की जॉब विलेजर को प्रोवाइड कर दी। ठीक है, एंड उससे एक दो बार आप ट्रेडिंग भी कर लेते हो एंड इसके बाद फिर आप उस कंपोस्टर को तोड़ देते हो। तो ऐसे में गाइस जो मतलब विलेजर की जो जॉब है फार्मर वाली, वो जॉब तो नहीं जाएगी बट जो विलेजर होगा ना वो इधर उधर बेचैनी से घूमने लगेगा। तो गाइस यहाँ पे कोशिश करना कि एक बार आप ब्लॉक रखने के बाद आपको उसको तोड़ना ना पड़े। ठीक है, एंड अगर आपको एक से ज़्यादा फार्मर बनाने हैं तो आपको जितने मतलब आप कंपोस्टर रखोगे उतने फार्मर्स आपके बनते जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जनसंख्या भी इनकी मैटर करती है। आप सबसे पहले बैडल लगा के इनकी जनसंख्या बढ़ाते रहो, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। एंड आप एक से ज़्यादा भी फार्मर बना सकते हो। ठीक है, फार्मर के अलावा और भी जो मैंने आपको जॉब्स बताई उनको भी आप जितना मर्जी उतना बना सकते हो। ठीक है, बस शर्त ये कि आपको ब्लॉक रखने पड़ेंगे एंड आप पे इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने कार्टोग्राफर टेबल रखा है एंड इस ब्लेजर ने ऑटोमेटिक मतलब अपना प्रोफेशन कार्टोग्राफर वाला चूज़ कर लिया। ठीक है, ऐसे ही गाइस आप सर्वाइवर वर्ल्ड के अंदर जैसे कोई सा भी ब्लॉक रखोगे ना एंड उसके आसपास जो सभी ब्लेजर होगा वो ऑटोमेटिक उस जॉब को चूज़ कर लेगा। ठीक है, सो गाइस अब हम लोग जान लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा डीपली। तो स्टार्ट करते हैं हम फार्मर से कि हम फार्मर से कितने टाइप के आइटम्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं फार्मर की। तो फार्मर से जब भी आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपको मतलब ये ऑप्शन शो हो सकते हैं, यानी कि आप जब उन्हें वीट दोगे तो भी आपको एमरल्ड्स मिल सकते हैं, या कोई फार्मर आपसे बीट रूट मांगेगा तो आपको एमरल्ड्स मिलेंगे, या कोई कैरेट मांगेगा या कोई पोटैटो मांगेगा। ठीक है, एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरा फार्मर था वो मेरे से बीट रूट मांग रहा था एंड बीट रूट पे भी क्रॉस आ गया था क्योंकि मैंने उससे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर ली थी। ठीक है, सॉरी ट्रेडिंग कर ली थी, ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये कि आप जितने सारे फार्मर्स होंगे एंड उनका जो ट्रेडिंग का जो मतलब सिक्वेंस होगा वो बिल्कुल सेम भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। बट ये जो अभी आप आइटम की लिस्ट देख रहे हो फार्मर की, इसके अलावा आपको कोई और सा आइटम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको जल्दी से ये मतलब बता देता हूँ कौन कौन सा आइटम है। तो ऊपर सबसे आप देख सकते हैं कि वीट के बजाय आप एमल्स ले सकते हो एंड कैरेट दे के भी आप एमल्स ले सकते हो। इसके साथ आप एमल्स दे के इनसे ब्रेड ले सकते हो एंड फिर से एमल्स दे के आप इनसे गोल्डन
गोल्डन कैरेट भी ले सकते हो। एंड ये सभी आइटम्स आप देख सकते हैं, मैं सबके नाम नहीं लूँगा, इतना आइटम आप फार्मर से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने पूरी लिस्ट है, आप इसे देख लो। अब बात करते हैं लेदर वर्कर के बारे में, तो इन्हें आप लेदर देके इनसे एमरल्स ले सकते हो। एंड इसमें अगर मेन चीज़ की बात करो तो गाइस इसमें सैडल, ठीक है, आप लेदर वर्कर से सैडल की भी ट्रेडिंग कर सकते हो, उन्हें एमरल्स दो और बदले में उनसे सैडल्स लो, ठीक है, जो कि काफ़ी रेयर होती हैं गेम के अंदर। एंड इसके साथ आप लेदर के और भी आइटम्स इनसे मतलब ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, लिस्ट आपके सामने पूरी है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फिशरमैन के बारे में, तो आप इन्हें स्ट्रिंग देके आप इनसे एमरल्ड्स ले सकते हो एंड कोल देके भी इनसे एमरल्ड ले सकते हो। एंड इसके साथ आप ये बाकी का आइटम देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके मेन आइटम की बात करूँ तो गाइस इसके अंदर आपको एनचेंटेड फिशिंग रोड देखने को मिल जाएगा। आप इन्हें 7-22 एमरल्ड्स देके इस फिशरमैन से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी प्रकार के एनचेंटमेंट्स देखने को मिलेंगे फिशिंग रोड के अंदर। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन की, तो आप इन्हें पेपर या बुक्स देके इनसे एमरल्ड्स ले सकते हो, और इन्हें एमरल्ड्स प्लस में बुक्स अगर आप दोगे तो फिर इनसे आप एनचेंटेड बुक्स ले पाओगे, जिसमें आपको काफ़ी अलग अलग प्रकार के एनचेंटमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड रेयर आइटम की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको नेम टैग देखने को मिल जाएगा, जो कि एक माइनक्राफ्ट में रेयर आइटम है। एंड इसके साथ यहाँ पर आपको कंपास क्लॉक और बाकी का आइटम ही आप देख सकते हो, इन सब की ट्रेडिंग आप आसानी से कर पाओगे। अब बात करते हैं आर्मर की, तो आर्मर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आप इनसे ऐसा आइटम की ट्रेडिंग कर सकते हो जो कि बेसिकली आर्मर्स होते हैं, जैसे कि ये शूज़ हो गए, हेलमेट हो गई और ये आर्मर हो गया, ठीक है। एंड कोल दे के आप इनसे एमरल्ड्स भी ले सकते हो। एंड बाकी के आइटम्स आपको दिख ही रहे हैं इधर, ये जो लावा बकेट है ये देखे भी आप इनसे एमरल्ड्स ले सकते हो, ठीक है। एंड ये आप आइटम देख सकते हो। बात करते हैं टूल स्मिथ के बारे में, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है आप इससे टूल्स की ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड ये आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही होगी, चाहे आप इन्हें कोल दो या फ्लिंट दो, इसके बदले में आपको एमरल्ड्स देंगे। एंड इसके साथ साथ आपको ये एनचेंटेड टूल्स भी देंगे, जिसमें आपको कई अलग अलग प्रकार के एनचेंटमेंट्स देखने को मिलेंगे। रेयर आइटम की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे बैल है, और आपको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर बैल को आप क्राफ्ट नहीं कर सकते हो, आप इसे या तो ट्रेडिंग करके या किसी गाँव से ही ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सैफर्ड के बारे में, तो गाइस सैफर्ड को आप अलग अलग टाइप के बूल्स और डाइस दे के बदले में आप उनसे एमरल्ड्स ले सकते हो, और एमरल्ड्स के बदले में आप शीयर्स हो गई और कारपेट हो गए और ये पेंटिंग होगी, ये सब आदि आइटम्स ले सकते हो, ठीक है, आपके सामने पूरी लिस्ट है। तो गाइस अब बात करते हैं बचर के बारे में, तो गाइस बचर को आप अलग अलग टाइप के मीट्स दे के उनके बदले में आप एमरल्ड्स ले सकते हो, जैसे कि बीफ मीट हो गया और ये जो रैबिट होता है उसका मीट हो गया, ठीक है, इन सब के मीट को दे के आप बदले में एमरल्ड्स ले सकते हो। एंड ये लिस्ट आपके सामने ही है। एंड इसमें एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये जो सबसे नीचे आप देख सकते हैं रेड वाली मतलब बेरीज होती है, आप इनको दे के भी इनसे एमरल्ड्स ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्लरिक के बारे में, तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना जो इनसे चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो गाइस जब आप किसी जूमिस को मारते हो तो जो उससे मीट मिलता है उसको दे के आप इससे एमरल्ड्स ले सकते हो। एंड ये जो प्लेजर्स होते हैं जिनकी क्लरिक की जॉब होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि गाइस इनसे आप काफ़ी कमाल के रेयर आइटम्स की ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि रेड स्टोन हो गया, लैपिस लजुली हो गया, एंड सबसे जो मेन चीज़ है वो है पर्ल, जो कि आपको पता है एंडरमैन को मारने से ही मिलती है, ठीक है। एंड इनको आप ग्लास की जो बोतल्स होती है उनको देके भी आप एमरल्ड्स ले सकते हो। एंड इसके साथ एमरल्ड्स के बदले में आप कई प्रकार की पोशंस भी इनसे ले सकते हो, और जो बाकी के आइटम्स हैं इनकी आप लिस्ट ही देख ही सकते हो। तो अब बात करते हैं कार्टोग्राफर के बारे में, तो इन्हें आप पेपर देके आप इनसे एमरल्ड्स ले सकते हो। एंड इसके साथ में आप इन्हें एमरल्ड्स देके एम्पटी मैप्स ले सकते हो। मेन आइटम की बात करूँ तो गाइस आप इन्हें कुछ एमरल्ड्स प्लस में कंपास दोगे तो बदले में आपको काफ़ी कमाल के खजाने के मैप्स देखने को मिलेंगे। एंड इनसे आप ओशन एक्सप्लोरेशन जैसे काफ़ी कमाल कमाल के मैप्स भी ले सकते हो। तो गाइस इस लिहाज से तो एक कार्टोग्राफर काफ़ी मेन है, क्योंकि जब आप इनसे एक्सप्लोरेशन के मैप लेते हो तो इससे जो आपकी गेम का एडवेंचर होता है वो भी मतलब एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है, और आपको गेम खेलने में और भी काफ़ी मज़ा आने लगता है। अब बात करते हैं वीपन स्मिथ के बारे में, तो गाइस आप इन्हें कोल जैसी चीज़ें देके आप इनसे एमरल्ड्स ले सकते हो, एंड डायमंड और फ्लिंट देके भी आप इनसे एमरल्ड्स ले सकते हो। एंड गाइस जैसे कि आपको नाम से पता ही चल रहा होगा वीपन स्मिथ, यानी कि आप इनसे कई टाइप के वीपन्स ले सकते हो, जैसे कि एक्स होगी और ये स्वर्ड होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे एनचेंटेड स्वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब एनचेंटेड वीपन आइटम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड इनके साथ आप बाकी के आइटम की लिस्ट देख ही सकते हैं।
अब बात करते हैं फ्लेचर के बारे में। तो गाइस आप इन्हें स्टिक देके आप इनसे एमल्स ले सकते हो, एंड इसके साथ साथ अगर आप इन्हें फ्रिंट भी दोगे तो भी आपको एमल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ मतलब क्रॉसबो हो गई और एंचेंटेड क्रॉसबो हो गई, एंड कुछ डायमंड प्लस में अगर आप इन्हें एरो दोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी कमाल के और भी एरोस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मतलब अलग अलग टाइप के शायद ही एंचेंटमेंट्स होते हैं कुछ, मतलब वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें एरो वाले आइटम के लिए श्योर नहीं क्योंकि इसे मैंने अभी तक ट्राई नहीं कराए, बट जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर आपको जो मतलब एरो मिलेंगे ना ट्रेडिंग करके, वो भी मतलब कुछ एंचेंटेड होंगे, उसमें भी मतलब कुछ अलग अलग शायद मतलब पावर्स होंगे। ठीक है, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, आपको किस किस टाइप के एरोज़ मिले इनसे ट्रेडिंग करके। ठीक है, और गाइस आपको तो पता है गेम में जैसा कि जो एरो की मतलब काफ़ी शॉर्टेज चलती है, आपको फ्लिंट ढूंढने पड़ते हैं एरो बनाने के लिए, बट गाइस अगर आप फ्लेचर से कुछ डायमंड देके ट्रेडिंग करोगे ना तो यहाँ पर आपको एरोज भी मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं दूसरा आइटम ही है, और मैंने यहाँ पे डायमंड बोला इसके लिए मुझे माफ़ करना, ये एमरल्ड्स मतलब जब आप इन्हें दोगे ना तो बदले में आपको एरो भी मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं आखिरी जॉब के बारे में, यानी कि मैसन के बारे में। जब आप इन्हें स्नोबॉल दोगे तो बदले में आप इनसे एमरल्ड्स ले सकते हो, एंड जो नेदर की जो क्वार्ट्स होती है वो देके आप इनसे उसके बदले में भी एमरल्ड्स ले सकते हो। एंड इनके अलावा यहाँ पर आपको कई टाइप के मतलब पत्थर वगैरह देखने को मिलेंगे, एंड जैसे कि मैसन जो कि नाम से ही पता चलता है कि ऐसा बंदा जो कि मतलब पत्थर वगैरह का मतलब चीज़ रखता हो, ठीक है, अपने पास, इसलिए इसकी जो भी है स्टोन कटर वाली होती है। इसलिए यहाँ पर हमको जो मतलब आइटम्स देखने को मिलते हैं वो जैसे ग्रेनाइट हो गया और ये ईट वगैरह होगी, इनसे ही रिलेटेड मतलब हमें मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो पहला वाला अभी जो मैंने आपको आइटम का नाम बोला था स्नोबॉल, एक्चुअली में गाइस ये क्लियर है। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो तो काफ़ी लंबी होगी, बट गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपको तो आप सब कुछ मतलब ब्लेचर्स के बारे में पता ही चल गया होगा, एंड मैंने ए टू जेड आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया कि आप इनसे किस किस आइटम की ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इनकी जो जॉब्स के ब्लॉक्स होते हैं उनको आपको बनाना कैसे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।